और नारोवाल में गरीब नादार और मुस्तहक बेसहारों के लिए फ्री आई कैंप के इनाकात का सिलसिला जारी रहेगा। के महरम राज चशम डॉक्टर अनवार भट्टी ने कहा है कि गरीब नादार मुस्तहक और बेसहारों के लिए फ्री आई कैंप के इनाकात का सिलसिला जारी रहेगा ताकि वो हर मरीज जो अमराज चशम में मुबतला है वो इलाज कराने के लिए पैसे ना रखता हो तो वो हमारे पास फ्री आई कैंप से मुस्तफीद हो सके। उन्होंने ये बात नारोवाल में आमना शाहिद क्लिनिक में फ्री आई कैंप के इनाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कही। उन्होंने कहा कि अल्लाह पाक का शुक्र है, अपनी मदद आपके तहत लगाए जाने वाला ये दूसरा फ्री आई कैंप है। आज के कैंप में 350 से ज्यादा मरीजों को चेक किया गया है जो आंखों के मुख्तलिफ अमराज में मुबतला थे। इनमें 50 मरीजों को आंखों की सर्जरी के लिए बुलाया गया है जिनकी आंखों के फ्री ऑपरेशन किए जाएंगे। लेंस, ऐनक और अद्वियात भी फ्री दी जाएंगी। मजीद कहा, आज इतने मरीज भी चेक किए गए हैं, इनको ऐनकें और अद्वियात फ्री दी गई हैं। उन्होंने मजीद कहा कि एक सर्जरी पर 10 से 15 हज़ार रुपये खर्च आता है जो हम फ्री आई कैंप में फ्री करते हैं। मजीद कहा कि हमारी कोशिश है कि साल में 6-7 फ्री आई कैंप लगाए जाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे फ्री आई कैंप से मुस्तफीद हो सकें। अहले इलाका ने डॉक्टर अनवार भट्टी के इस इकदाम को सराहा है। और जहानिया में थाना ठठा सादिकाबाद के SHO की गुंडागर्दी, गरीब मजदूर को बिला वजह थाने बंद करके जाली फर्जी FIR दर्ज करने की धमकियां, गरीब मजदूर दुहाइयां देता रहा। मजदूर ने डायरेक्टर एंटी करप्शन RPO मुल्तान GPO खानेवाल से नोटिस लेकर पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा कर दिया। तफसीलात के मुताबिक ठठा सादिकाबाद के रहायशी फैक्ट्री में मुलाजमत करने वाले मजदूर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि साल फैक्ट्री में मजदूरी करके अपनी तनख्वाह 37,000 रुपये वसूल करके आ रहा था कि SHO थाना ठठा सादिकाबाद ने गिरफ्तार कर लिया और मेरे पास जमा शुदा रकम 37,000 रुपये और मेरा मोबाइल भी ले लिया। मुझे थाने ले गए, तशद्दुद करते रहे और गालियां भी देते रहे और कहते रहे कि ये पैसे हमें दे के तुम चले जाओ। मैं वास्ते देता रहा, मिन्नतें करता रहा कि मेरी वालदा बीमार है, मेरा बच्चा ICU वार्ड में है, खुदा के लिए मुझे जाने दो। उन्होंने मेरी एक बात भी ना मानी और मेरे पैसे रखकर मुझे जाने दिया। मैं गरीब आदमी हूँ, दो वक्त की रोटी व मुश्किल पूरी करता हूँ, मेरा बच्चा और वालदा बीमार है। पुलिस थाना ठठा सादिकाबाद पुलिस ने मेरी नकदी रकम लेकर सख्त ज्यादती की है, मेरी रकम वापस दिलवाई। स्वयं मजदूर ने डायरेक्टर एंटी करप्शन RPO मुल्तान GPO खानेवाल से नोटिस लेकर रकम वापस दिलवाकर जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है।